Hello to all and welcome back to the platform. Again, Anamika this side, and again we are going to discuss a very important topic for your modern Indian history, Spectrum and NCERT की ये series जिसे आप I hope की follow करते आ रहे हो, and you are aware about की we have discussed various important topics related to your modern India, which will be helpful for your prelims as well as mains examination. As we are discussing both the question patterns and we are also analyzing the questions that how UPSC keen to frame the question and how you have to approach the questions, right? But before I get started, in which we are going to discuss a very important topic, I would like to tell you about Unacademy Plus. And if you haven't subscribed Unacademy Plus, then please do it. Think of it at least, because this will prepare you for your UPSC in a very strategic manner. ओके सो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं. यहाँ पे इट्स अ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, बी इट फॉर 2020 और अनदर इयर्स ऑफ एग्जामिनेशन. सो वन सब्सक्रिप्शन एंड अनलिमिटेड बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट, वेयर यू विल बी हैविंग 100% सिलेबस कवरेज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन यू विल बी हैविंग, एंड एसे एंड आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाता है. ओके सो बायलिंगुअल बैचेस हिंदी इंग्लिश सब में ये अवेलेबल है. आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. आपको कोड यूज करना है रेफरल कोड यूपीएससी वाईटी या फिर रैंक 10 या कोड 10, इन विच यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम 10% डिस्काउंट. यू विल गेट पर्सनलाइज मेंटोरशिप एंड बुक की पीडीएफ एंड हैंड रिटन नोट्स एंड ऑल एक्स्ट्रा बेनिफिट विल बी अवेलिंग यू. If you having any query regarding this, then type it in comment box. It will be taken care of. T20 daily current affairs test series free also is available, in which you can approach the question and you will get to know that where you are making mistakes while solving the questions. So this and all will be very beneficial for you, as only less than 60 days have left for your prelims examination. You can click also these links to join us, and do not forget to subscribe this channel also. Hit the bell icon to get the regular updates from this platform. Okay, we are discussing the reform movements and the struggle, and we are discussing the personalities involved in the reform movement and revivalist movement, right? So today, in which we are going to centered upon is Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद की जीवनी से आधारित, उनके बायोग्राफी से रिलेटेड, उनके टीचिंग से रिलेटेड, उनके प्रीचिंग से रिलेटेड और उनके थॉट बिलीव सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जीएस के पेपर में, पेपर फर्स्ट में, पेपर फोर में और पेपर सेकेंड में भी इसका यूज कर सकते हो. किस तरीके से इट विल एनहांस योर आंसर राइटिंग, खासकर एथिक्स के पेपर के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट forget to follow me up for next 10 to 20 minutes. Okay, so सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कल डिस्कस कर ली थी. ब्रह्म समाज हमने डिस्कस किया था, सिग्निफिकेंसेस भी हैव डिस्कस्ड, और उसके बाद हमने देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन के जो स्प्लिट हुई थी, उसके बाद हमने ये भी देखा था यंग बेंगाल मूवमेंट क्या था. ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हमने डिस्कस करा, परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले एंड गोपाल हरी देशमुख, लोकहितवादी जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वी आर गोइंग टू सेंटर्ड अपॉन टूडे इज स्वामी विवेकानंद, द मॉन्क हु सेव्ड इंडिया सेक्युलरिज्म एंड हु हैज सेड अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. कोई भी रिफॉर्मर हो, कोई भी पर्सनैलिटी हो, कोई भी थिंकर हो, कोई भी फिलोसफर हो, आखिर क्यों हम उनकी बातों को आखिर इतना सीरियसली क्यों लें, हम उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में क्यों उतारें, राइट? ये चीजें अगर आपके मन में आती हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी गुड थिंग टू कम टू योर माइंड, बिकॉज ये क्वेश्चन आने भी जरूरी है आपके माइंड में. कि कोई भी इंसान अगर कोई बात कह के गया तो ये उसकी पर्सनल थिंकिंग थी, ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था. हम उससे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हम उससे क्यों सीख सकते हैं, बिकॉज इट्स आवर लाइफ, हमें उनसे क्यों सीखना है, राइट?
और ये बातें मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये आपके एथिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? सो यहां पे बात ये है कि अगर कोई भी थिंकर, कोई भी फिलोसोफर, कोई भी बात कह के जाते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है, या फिर हमारे महात्मा गांधी का नाम आता है, या फिर स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, तो ये जो थिंकर्स थे, ये जो फिलोसोफर थे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई बात कह के गए और उसका कोई मीनिंग नहीं था, उनका कोई तजुर्बा नहीं था. बिकॉज अगर वो कुछ भी कह के गए, द सेम थिंग इवन वी आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी वी आर लिविंग इन, वी आर विटनेसिंग द सेम व्हाट दे हैव विटनेस्ड, राइट? सो अपने एक्सपीरियंस से वो हमें इसलिए बताते हैं ताकि हम उसे भी, उनसे भी कुछ सीख के अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकें. और इसीलिए इन फिलोसोफर की बातों को हमें सीरियसली लेना, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना ज्यादा जरूरी होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर कोई भी इंसान कोई बात कह रहा है तो ये उसकी पर्सनल थिंकिंग है, ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट इज द थिंग ही और शी हैव फेस्ड. वाई वुड वी फॉलो इट? बिकॉज आपको ये फॉलो करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उनकी बातों को 100% फॉलो करो जो उन्होंने कहा. आप उनकी बातों से सीख के उसको थोड़ा सा एडवांस करके, थोड़ा सा अपने हिसाब से तोड़ के, मरोड़ के, जिस तरीके से आपको लगता है, इन विच यू आर कंफर्टेबल, आप उसे थोड़ा सा एनहांस करके अपने वे ऑफ लिविंग में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हो. जैसे कि अगर उन्होंने ये कहा कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो यहां से आपको ये चीज सीख लेनी है कि जिंदगी का नाम रुकना नहीं होता है. और अगर आपको कुछ पाना है तो आपको रुकना बिल्कुल नहीं है. आप उसमें थोड़ा सा एनहांस ये चीज कर सकते हो, अपनी पर्सनल थिंकिंग मैच कर सकते हो, अपनी पर्सनल थिंकिंग डाल सकते हो, ये बोल सकते हो कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम लाइफ से बड़ी नहीं होती. If you're facing any kind of difficulty reaching your goal, then think about it. Remember just one thing, that there is no such problems which has keen importance or which are, you know, higher than your life's values. Life से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती है. So इसीलिए रुकना यहाँ पे नहीं है. So these are the preachings जिसमें आपको सीख के आप इसे ethics के paper में जो है ना use कर सकते हो. इसीलिए ये बातें यहाँ पे मैंने बोली हैं. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के भी बारे में, ए वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट स्वामी विवेकानंद. सो स्वामी विवेकानंद का जो रियल नेम था वो था नरेंद्रनाथ दत्ता. ही वॉज बोर्न एज नरेंद्रनाथ दत्ता. 1862 से 1909 इनका टाइम पीरियड था. और बाद में चल के इनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था जब इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के मैसेज को दुनिया के सामने, इंडियन सोसाइटी के सामने लाना शुरू किया था. वो एक एज अ प्रीचर इमर्ज हुए थे एज अ नियो हिंदुइज्म. ओके, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वेदांता को सब्सक्राइब करा. उन्होंने कंसीडर किया वेदांता को एज अ फुल्ली रैशनल सिस्टम विथ अ सुपीरियर अप्रोच. रैशनल सिस्टम मतलब एक तर्क के साथ उन्होंने एक सुपीरियोरिटी ऑफ अप्रोच को लेते हुए इस वेदांता सिस्टम को जो है ना उन्होंने डिस्कस करा था. उपनिषद, गीता, ये सारी जो चीजें एग्जाम्पल बुद्धा का देके, जीसस का देके, उन्होंने अपने मैसेजेस को बहुत ही ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज के साथ वर्ल्ड के सामने रखी थी. उन्होंने वेदांता को एक बहुत ही रैशनल सिस्टम एज अ सुपीरियर अप्रोच के सिस्टम के रूप में दुनिया के सामने रखा था. और इसीलिए कहा जाता है कि हिज मिशन वॉज टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन परमहार, जो कि सर्विस के नाम से जाना जाता है, एंड व्यवहार, जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं. और यही दोनों के बीच का जो है वो ब्रिज, उसको ये भरता है, एंड बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ. ही कॉल्ड अपॉन हिज कंट्री मैन टू इम्बाइव अ स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्री थिंकिंग. मतलब उन्होंने अपने देशवासियों को ये कहा कि आपको स्पिरिट ऑफ लिबर्टी रखनी है, इक्वेलिटी पे बिलीव रखिए, और अपनी फ्री थिंकिंग रखिए. नैरो माइंडेड तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है. अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की जब आप बात करते हो, तो इनका जो स्पीच शिकागो में इन्होंने दिया था, तो शिकागो में इनकी जो स्पीच थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी. बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे इनके फॉलोअर्स बढ़ गए थे
इनकी स्पीच ये सुनने के बाद, और इसे 1893 में इन्होंने डिलीवर्ड किया था, और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया, एक ग्रेट इम्प्रेशन लोगों के माइंड पे छोड़ा था, एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी थी। और उसके बाद ही चल के वो किस तरीके से फेमस हुए थे, मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है, या तो मेंस में या प्रीलिम्स में, दैट मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड किसे ये जाता है क्रेडिट। ओके, तो इट वॉज नन ऑफ द अबव, इट वॉज स्वामी विवेकानंद ओनली। सो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से ये जो स्वामी विवेकानंद थे वो मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्ट कहलाए, और किस तरीके से ये बने। आपको एक बात और यहाँ पे मैं, जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल यूथ डे हम जनवरी 12th को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की, अ वेरी फेमस हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, जिनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी थी उसके बेस पे 19th सेंचुरी में उनको एक ग्रेट रिफॉर्मर का दर्जा दिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर थे इंडिया के, जिन्होंने हमेशा जो है अपने इंडियन सोसाइटी को एक हिंदू फिलॉसफी ऑफ योगा और वेदांता टू द वेस्ट के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया था, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में डिक्लेयर किया था उनके बर्थडे को एज अ नेशनल यूथ डे, क्योंकि ये यूथ को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे। तो इनकी जो टीचिंग है जो यूथ्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको स्वामी विवेकानंद की को अगर एक लेगेसी के रूप में आप देखोगे कि किस तरीके से वो एक लेजेंड थे, उनकी लेगेसी क्या क्या थी, उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, बट या बिफोर दैट यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद पॉलिसी फिलोसफी सॉरी इन इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स के पेपर के लिए, जीएस पेपर 4 के लिए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। एंड He was a proponent of a multicultural nation rooted in religious tolerance and modernity. ये दो जो थे ना, इनके basic pillars थे इनके preaching के, तो इस पे आपको comment करने बोला जा सकता है। And he was also an important social reformer who brought spiritual reawakening among the Indians in 19th century. Discuss it. So the four pillars of nationalism according to Swami Vivekanand were conciseness and pride in the ancient glory of India, development of moral and physical strength, awakening of masses, unity based on common spiritual ideas. तो इन सारी बातों पे वो बात करते थे। One more quote from his side, education is the manifestation of the perfection already in man. मतलब ये बस प्रदर्शन है उस चीज का जो एक इंसान के अंदर, जो education है वो ऑलरेडी निहित है, और वो एजुकेशन बस एक उसका दर्पण हो सकता है, लाइक दैट ही सेड। सो ही एम्फसाइज्ड ऑन एजुकेशन, नॉट ओनली ऑन जेंडर एजुकेशन, बट ही आल्सो एनकरेज द वुमेन्स एजुकेशन, मतलब जेंडर इक्वालिटी के बारे में इन्होंने जो है वो बात करी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन फॉर्म किया था, बट बिफोर दैट, ठीक है, बिफोर दैट आपको कुछ चीजें जो है उनके बारे में जाननी जरूरी है, जैसे कि उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो चीजें थी जो उन्होंने शिकागो में दिया था। तो जब उन्होंने एक रिमार्केबल स्टेप लिया था शिकागो को एड्रेस करने में, तो उनकी जो फर्स्ट लाइन थी ना, वो थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और ये सेंटेंस किस चीज को दर्शाता है, टॉलरेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही गहरा छाप छोड़ के गया था बहुत ही लार्ज मासेस ऑफ द पॉपुलेशन पे, और उसके बाद इनके फॉलोअर्स भी जो है ना काफी ज्यादा बढ़ गए थे। विवेकानंद जो है बहुत ज्यादा इसके लिए रिमेम्बर किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनको बहुत ही ज्यादा सराहा जाता है। जब इन्होंने स्पीच दी थी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो इन 1893, ये याद रखिएगा। स्पीच में इन्होंने तीन चीजों पे बात करी थी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड रिलीजन। इन तीन चीजों को बेस लेते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक अपना एक जो विचार प्रस्तुत किया था, वो काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था।
मेनी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, जिसमें वो पॉपुलर हुए थे उसमें एक बात और उनके लिए जो पॉपुलर हुए थे वो ये था दैट ही सेड कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ द टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. मतलब उन्होंने ये बात मेंशन करी थी कि मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ जिसने पूरे वर्ल्ड को दो चीजें सिखाई हैं, टॉलरेंस भी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी. सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, तो यहाँ पे हर रिलीजन को जो है आसरा मिलता है, हर रिलीजन को जो है इज्जत मिलती है, तो इसीलिए इन्होंने टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की जो है वो बात करी थी. सो उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में और भी बात करी थी और उन्होंने ये भी कहा कि हम आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन जहां पे शेल्टर किया जाता है हर पर्सिक्यूटेड पर्सनैलिटी, सॉरी हर पर्सिक्यूटेड जो भी कम्युनिटी होती है उनको, या फिर जो रिफ्यूजीज होते हैं सारे रिलीजन के, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी हो, हर रिलीजन के रिफ्यूजी को हम सराह जो है वहां पे सहारा देते हैं. और उसके बाद ये जो है ये नेशन ऑफ द अर्थ के नाम से हम जाने जाते हैं. तो सेक्युलरिज्म, बिगोट्री और हॉरिबल डिसेंडेंट और ये सारी चीजें जो हैं, इन्होंने एक जो ब्यूटीफुल अर्थ को जो एक डिफाइन करती हैं चीजें, वो सारे वहां पे मौजूद हैं जहां से मैं बिलोंग करता हूं. तो ये सारी चीजें जो इन्होंने कही थी वहां पे, जो लेक्चर दिया था इन्होंने यूएस में, यूके में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और उसके बाद ही इनको मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्ट वर्ल्ड जो है उसके नाम से जाना गया था इनको. उसके बाद उन्होंने मिशनरी जो है वहां से वापस जब इंडिया आए तब उन्होंने सेटअप करी थी और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में. सो वहां से आने के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है वो स्थापना करी थी. एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक 1899 में बेलूर मठ का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था जिसमें उन्होंने बहुत एक लीडिंग रोल प्ले किया था. और उनके गोल्स जो थे वो किस पे बेस्ड होते थे, कर्म योग पे, ताकि जो पुअर मासेस है इंडिया उनको, जो लोग जो पुअर कम्युनिटी है इंडिया की उनको जो है वो सेव किया जा सके, उनको जो है इनइक्वालिटी से या फिर एक्सप्लोइटेशन से जो है वो बचाया जा सके. अब ये बात जो इन्होंने कही थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो ये किसके लिए था, ये लोगों को, ये मासेस को ये संदेश देना चाहते थे कि जिस तरीके से अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ तो अमेरिका ने इंडिपेंडेंस ली, तो ये इनडायरेक्टली इंडियन मासेस को ये बताना चाहते थे कि आपको भी तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है. ओके, अब स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स की अगर बात आती है तो उनकी वैल्यूज, उनकी इंस्पिरेशन जो है वो यूथ के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो यूथ के लिए बहुत ही एक ऐसे स्टेप के रूप में जाने जाते हैं जिसने काफी ज्यादा इंस्पायर किया है. उनकी एक एक कोट अगर आप पढ़ते हो ना तो वो आपको बहुत ही अंदर तक जो है झोर के रखता है कि आखिर इतनी अच्छी चीज इन्होंने बोली और अगर हम इसे अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मैन और वेमेन ऑफ इंडिया. ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी उनको, विवेकानंद को ये कहा था कि ही इज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो ही सजेस्टेड कि लोगों को योग में विश्वास रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और एक जो हेल्दी हैबिट होती है, ईटिंग हैबिट होती है, वो भी लोगों को अपनाना चाहिए क्योंकि ये यूथ्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. इसके कारण यूथ जो है ना काफी ज्यादा एक अच्छा एक अपना डेवलपमेंट देता है सोसाइटी को. अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि दो जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हो रहा था वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा था वहां पे, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद की जो नेशनलिज्म थी वो डीपली उनकी रूट कहाँ पे गड़ी हुई थी, स्पिरिचुअलिटी में और मोरालिटी में. तो इसको भी अगर आपको डिस्कस करने के लिए कहा जाएगा तो आप उनके आइडियाज को, उनके जो स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी और रिलीजन को लेके जो फेथ थे, जो बिलीफ थे, उसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो. वेद और उपनिषद के बारे में जो वो कहते थे कि वेद और उपनिषद जो है स्ट्रेंथन करते हैं नेशन के ग्रोथ को और इंडिविजुअल के फेथ को भी वो ग्रो करते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया था और उसके बाद उन्होंने पास्ट जो हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया है उस पर बहुत ज्यादा बल देते हुए लोगों को इसके बारे में जो है वो अवेयर कराया था कि उनको उससे कुछ सीखना चाहिए, उस पर रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उस पर प्राइड फील करना चाहिए.
उसके बाद अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद फिलोसफी, कि जिसने एथिक्स के इवोल्यूशन में अपना एक रोल प्ले किया है, तो आपको विवेकानंद की जो फिलॉसफी है, जो एथिकल डायमेंशन है, उसको आपको डिस्कस करना है। आपको बताना है कि उन्होंने किन किन चीजों पे बात करी है। मोरालिटी पे उन्होंने बात करी, एथिकल वैल्यूज पे उन्होंने बात करी, टॉलरेंस पे उन्होंने बात करी, और उसके बाद यूनिवर्सलिज्म पे उन्होंने बात करी। उन्होंने ही कहा था, उनका ही ये कोट था, ठीक है, जीवा ही शिवा है। ओके, ये बहुत बड़ी लाइन है, और इन लाइंस को अगर आप लिखते हो तो आपके आंसर्स को एक बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन मिलता है। उन्होंने कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, इन सारी चीजों को नकारते हुए वो यूनिवर्सल मास पे जो है वो जोर दिया था। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड पे उन्होंने जो है वो एम्फसाइज किया था। रिलीजन पे उन्होंने काफी ज्यादा कमेंट किया था कि रिलीजन इज नथिंग बट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ही एक रिलीजन का दूसरा नाम हो सकता है। सुप्रीम फ्रीडम, सुप्रीम नॉलेज और सुप्रीम हैप्पीनेस जो ही है इटर्नल सुप्रीमसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी इंसान के पाथ, किसी भी इंसान को वही पाथवे जो है वो फॉलो करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की उन्होंने बात करी थी, उन्होंने वर्ल्ड को ये बताया था कि पूरा जो एक संसार है वो एक नेसेसरी है, कि उसको आप एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह जो है वो ट्रीट करो, और उसके बाद जो आपका प्रोटेक्शन है वो पूरे एक यूनिवर्सल मासेस के लिए रखो, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिल सके, क्योंकि एकता में ही बल होता है, राइट। ये सारी चीजें उनकी प्रीचिंग है जिसको आप अपने एंसर्स में जो है वो रख सकते हो। अभी आप उन्होंने जो आइडियाज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, खासकर यूथ के लिए, ठीक है, तो यूथ के लिए अगर आपको बात आती है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एथिकल चीजों में ये पूछा जा सकता है जीएस पेपर 4 में, दैट स्वामी विवेकानंद के जीवन या उनके विचार जो हैं, उनके वैल्यूज जो थे, उनसे आप क्या सीखते हो और किस तरीके से उसे आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो, राइट। तो उन्होंने टॉलरेंस की बात करी, लोगों से कहा कि आप एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को अपलिफ्ट करो, लोगों एक दूसरे को ऊपर उठाने की बात करो, ना कि नीचे दिखाने की। और इसीलिए उनको नेशनल यूथ डे के दिन उनको बहुत ज्यादा नवाजा जाता है और उसको एक यूथ आइकन माना जाता है उनको। स्वामी विवेकानंद को हम कह सकते हैं द मॉन्क हु शेप्ड इंडियाज सेकुलरिज्म, ठीक है। तो क्यों कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जो शिकागो में 1893 में जो एड्रेस किया था उसमें उन्होंने वर्ल्ड को सिखाया था टॉलरेंस, वर्ल्ड को सिखाया था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, और उसके बाद उन्होंने एक हिंदुत्व आइकन होते हुए भी जो वो हिंदुत्व की बात करते थे वो आज के हिंदुत्व से काफी ज्यादा अलग था, जहां पे आज सिर्फ एक हिंदुइज्म की बात होती है, हिंदुत्व की बात नहीं होती है। इंडिया के सेकुलरिज्म की अगर आप बात करते हो तो आपको ये पता है कि जो भी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत ही एक सेकुलर स्टेट है, जिसमें बहुत सारे जो बिलीफ्स है, महात्मा गांधी के आइडियाज, नेहरू के आइडियाज, ये सारे जो है वो मिक्सअप है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके पुकारा था, तो ये बहुत बड़ा लाइन जो है उनको इस तरीके से कहा जाता है कि ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने एक स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग लाइक थी अमंग द इंडियन मासेस इन 19th century, बट ही वॉज द वन हु ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न पीपल, वेस्टर्न कल्चर को साथ लेते चलते हुए उन्होंने किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर पे, वेस्टर्न मासेस पे भी अपनी एक बेहतरीन छाप छोड़ी थी, राइट। ओके, उनको इंटेलेक्चुअल मॉन्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, उन्होंने इंटरप्रेट किया था वेदांता सिस्टम को ईस्ट में, वेस्ट में, यूनिवर्सैलिटी पे उन्होंने, ब्रदरहुड पे और ये सारी चीजों पे एम्फसाइज किया था उन्होंने, पोटेंशियलिटी ऑफ मैन पे, यूथ के लिए खासकर उन्होंने ये कहा था। उनकी लाइन जो है बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल याद है टिप पे, क्योंकि मैंने उनकी वो छोटी सी एक बुक पढ़ी थी। ही सेड द मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मतलब स्वामी जी की बातों से अगर आप उनके वर्ड में इनको समझाओ तो द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है वो किससे बनी हुई है, मैन की एनर्जी से ही बनी हुई है, एक पर्सन की एनर्जी से ही पूरी दुनिया बनी हुई है, एंथुजियाज्म से, उनके फेथ से ही पूरी दुनिया जो है वो चलती है। सो हर इंसान में एक ताकत होती है कि वो एक सोसाइटी के लिए एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, सोशल चेंजेस ला सकता है, अच्छी चीजें कर सकता है, और ये उसी के हाथ में होता है।
कोई भी सोल हो उसमें एक पोटेंशियल जो डिवाइन होता है, पोटेंशियली वो एक डिवाइन चीज होती है, सोल जो होती है बहुत ज्यादा उसमें ताकत होती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। और इसीलिए वो कहते थे जो भी यंगस्टर हैं वो बहुत ही अच्छा सोशल और कल्चरल रोल जो है इंडिया के लिए प्ले कर सकते हैं, बस उन्हें अपनी ताकत को जो है वो पहचानने की जरूरत है। रिलीजन और एथिक्स के मामले में भी उन्होंने यही कहा था कि अगर हम एक मैनकाइंड को पूरे वर्ल्ड लेवल पे विस्तार कर दें तो फिर कोई भी बाइबल, कुरान या कोई भी चीज जो है ना वो हमें सिर्फ अच्छी ही बातें सिखाएगा, वो हमें बुरी बातें कभी नहीं सिखा सकता। उन्होंने कहा था उनकी जब वो फेमस स्पीच दे रहे थे सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह के उन्होंने बोला था, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक टॉलरेंस का मैसेज दिया था। उन्होंने यही कहा था कि एक जो एटीट्यूड होता है एक लीडर का, एक फिलोसोफर का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो अपने लिए बात नहीं करता, वो मासेस के लिए बात करता है, वो सिंगुलैरिटी पे नहीं वो प्लुरैलिटी पे बात करता है। उन्होंने कहा था यूथ के लिए एक बात कही थी कि एक कोई आइडिया लो, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट एंड आफ्टर दैट ड्रीम ऑफ इट, लीव ऑन दैट आइडिया एंड लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर आइडिया एवरी सेकेंड ऑफ योर मोमेंट, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज ओनली द वे टू सक्सेस। जो आप चाहते हो बस उसी चीज को दिमाग में सोचो, उसी के लिए काम करो, उसी के सपने देखो, उसी के साथ जियो एंड अपने हर एक बॉडी पार्ट को उसके लिए जो है वो निहित कर दो, देन सक्सेस इज इन योर हैंड। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, अगर इसका 10% या 1% भी हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लेना सो वी आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन डेफिनेटली। ओके, सो दीज वर द थिंग्स जो आपको एथिक्स और बाकी चीजों में यूज करनी है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। या द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो 1866 से 1915 तक का इनका टाइम पीरियड था। एक लिबरल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने फाउंड किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। सो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, हु फाउंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सो ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले। एंड आफ्टर दैट द सोसाइटी वर्कड इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर एटसेट्रा। तो इन सब बातों पे जो है उन्होंने जोर दिया था। आफ्टर दैट गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको यू नो करंट अफेयर्स में भी थोड़ा ये रहता है, जब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, 9 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, 1866 को उनका बॉर्न हुआ था। तो ये सारी चीजें होती हैं जब, तो ये न्यूज में रहता है तो आप क्वेश्चन आप इनके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। ही वॉज ऑल्सो अ इंडियन पॉलिटिकल लीडर, अ सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो महात्मा गांधी को अपना मेंटोर मानते थे, पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ये चीज क्वेश्चन आ चुका है कि उनके पॉलिटिकल गुरु वो किसको महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। 1911 में उन्होंने पब्लिश किया था न्यूज़लेटर हितवाद के नाम से इंग्लिश में, और उसके बाद दिस सोसाइटी चूज टू रिमेन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटी, और उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन थे उससे भी पॉलिटिकली खुद को इनएक्टिव कर लिया था। आफ्टर दैट कुछ अदर फैक्ट्स आप उनके बारे में जान सकते हो, क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। गोपाल कृष्ण गोखले मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट ऑन दैट। अनदर फैक्ट्स की अगर आप बात करते हो तो उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था फ्रेमिंग द मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म इन 1909। आपको मैं बता दूं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो चीजों में डिवाइड था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी हुआ था और जब इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ जो है इंडिया रुख कर रहा था। सो ही बिलोंग टू अ मॉडरेट ग्रुप, ही वॉज अ मॉडरेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही रिगार्डेड महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। और उन्होंने गुजराती में जो महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी डेडिकेट करते हुए उनको, जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। उन्होंने फाउंड किया था रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक 1908 में। 1889 में ही बिकेम अ मेंबर ऑफ INC। इन 1905 ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ INC। सो अगर आपकी
आपको उनसे ये पूछा जाता है कि उनकी आईएनसी की प्रेसिडेंसी कब उन्होंने मिली, कब उनको मिली थी, देन इट वॉज 1905, बट वो मेंबर कब बने थे, 1889. माइन्यूट डिफरेंस बट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. He also published a daily newspaper titled Jan Prakash, जिसमें उन्होंने अलाउ किया था कि जो reformist view है political या फिर society की politics की, उसको आप वहां पे प्रदर्शित कर सकते थे, ठीक है. And after that, a follower of Gokhale, Narayan Malhar Joshi, उन्होंने found किया था Social Service League Bombay में, और उसके लिए काफी ज्यादा उन्होंने फिर काम भी किया था. And Joshi ही थे जिन्होंने All India Trade Union Congress की स्थापना करी थी 1920 में, ठीक है. वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगेन. सो रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद. सो यहाँ पे जो भी स्वामी विवेकानंद के बारे में है तो हमने उनके बारे में डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन यहाँ पे ये जानिए कि दिस मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1892 इन बेलूर नियर कैलकटा, ताकि वो प्रमोट कर सके टीचिंग ऑफ विवेकानंद गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस. इन्होंने कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इन सबको अपोज किया था, और उन्होंने रिलीजियस और जो वेदांता को है उसको, वेद को, उसको प्रोपोगेट किया था. रामकृष्ण मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहले कि जो भी वेदांता की टीचिंग है उसको स्प्रेड करना है, और ये किसके द्वारा होगा, जो हिंदू एंड जो रामकृष्ण के फॉलोअर हैं उनके द्वारा, और उसके बाद जो सोशल कंडीशन है इंडियन लोगों की उसको जो है वो सुधारना है. ये इनके दो मोटिव थे रामकृष्ण मूवमेंट के. एंड आफ्टर दैट परमहंस सॉट सॉल्वेशन थ्रू ट्रेडिशनल वेज ऑफ रेनन्सिएशन, मेडिटेशन एंड भक्ति, और उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को साथ में लेते हुए इन्होंने इन सब बातों पे बात करी थी कि भक्ति और रेनन्सिएशन और मेडिटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन. सो अब यहाँ पे जब आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है मॉडल मिंटो रिफॉर्म में उनका क्या योगदान था एज अ मेन्स क्वेश्चन. एंड ही दे कैन आस्क यू कि हु फाउंडेड द रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड इन विच ईयर. सो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें आप ये लिख सकते हो कि ही गेव अ बजट स्पीच एज अ मेंबर ऑफ इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. फिर उन्होंने आर्टिकल भी लिखे थे जो कि महाराष्ट्र के नाम से पॉपुलर होता था, और उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंदर भी अपना योगदान दिया था, उसके लिए भी उन्होंने जो है वो काम किया था. एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट हिज न्यूज पेपर जो कि जनप्रकाश के नाम से टाइटल होके प्रकाशित हुआ था. एंड ही वॉज लेटर इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1903 ऑल्सो. सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की फाउंडेशन उन्होंने कब रखी थी, 1905 में. एंड ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉली मिंटो रिफॉर्म. जब मॉली मिंटो रिफॉर्म की 1909 में बात आती है ना, तो उनको काफी ज्यादा जो है वो सराहा जाता है. गोखले जो है दो लोगों के मेंटोर थे, दो लोगों के गुरु माने जाते थे. महात्मा गांधी भी उनको अपना गुरु मानते थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भी उनको जो है वो अपना गुरु मानते थे. और एक बुक लिखी थी महात्मा गांधी ने उनके लिए, वो थी गोखले माय पॉलिटिकल गुरु. चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अवेलेबल है. ही वॉज इलेक्टेड एज अ काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ गवर्नर जनरल 1903 में. ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एंड आफ्टर दैट उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी आईएनसी में कब उनको मेंबरशिप मिली थी, इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. प्राइम मिनिस्टर जब ट्रिब्यूट करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की एनिवर्सरी पे, जो कि 154th एनिवर्सरी उन्होंने 2020 में उनकी पूरी हुई, तो उन्होंने जब उनको ट्रिब्यूट दिया तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये दिस गोज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1905 में, लेकिन वो सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दिस सेशन वॉज हेल्ड एट बनारस. उसके बाद ये मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल का नाम आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कैंपेन, बहुत अच्छा कैंपेन किया था लाला लाजपत राय को छुड़ाने के लिए, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे. तो आप देख रहे हो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बाद भी वो ये जानते थे कि वो नेशन के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको रिलीज कराने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा कैंपेन भी किया था, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है. जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो बस टॉन्ट बाजी चलती रहती है यहाँ पे, और तो कुछ होता नहीं है. ही वॉज एसोसिएटेड विद सार्वजनिक सभा जनरल ऑल्सो, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, और हितवाद, जो कि पीपल्स पेपर के नाम से इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर जो है वो प्रकाशित होती थी. दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट मेंटर ऑफ गांधी, ये भी चार सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो.
बिकॉज उन्होंने जब गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो INC के प्रेसिडेंट भी बने थे, उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी करी थी और उसके बाद वो लोगों को ट्रेन करते थे कि किस तरीके से वो इंडियन नेशनल मिशनरी के लिए जो है अपनी सर्विस दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इलेक्शन टू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1902 में। जब उन्होंने जब वो मेंबर बने थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो उन्होंने काफी ज्यादा वास्ट नॉलेज इकट्ठी की थी, डिटेल्स काफी ज्यादा ली थी और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव पार्टिसिपेशन दिया था जब एक एनुअल डिबेट हो रहा था बजट पे। तो बजट पे डिबेट होने पे जब उनको उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी थी वहां पे। ठीक है, इस तरीके से आप उनके बारे में भी लिख सकते हो अगर मेंस के क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, लेट्स डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। दयानंद सरस्वती और मूल शंकर जो और आर्य समाज की स्थापना, ही वॉज अ रिवाइवलिस्ट, ही वॉज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट। द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वॉज फॉर्मली सेटअप बाय हिम एट बॉम्बे इन 1875 और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इसको पब्लिश किया था। उसके बाद दयानंद लॉन्च्ड अ फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटी, अनटचेबिलिटी, पॉलिथिज्म और इन सब चीजों पे उन्होंने एक तगड़ा अटैक किया था, इन चीजों के वो खिलाफ बात करते थे। इंटरकास्ट मैरिज हो, विडो रिमैरिज हो, इस सब को वो काफी ज्यादा एनकरेज करते थे, वो वुमेन को चाहते थे कि उनको इक्वल स्टेटस मिले समाज में। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा एजुकेशन के संदर्भ में एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया था, अपना एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था। DAV की स्थापना उनमें से एक थी जिसकी पहली जो नींव है वो लाहौर में रखी गई थी 1886 में और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पे काफी ज्यादा एम्फसाइज किया था। स्वामी श्रद्धानंद स्टार्टेड द गुरुकुल एट हरिद्वार इन 1902 टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क। उन्होंने ही शुद्धि मूवमेंट को लाया था, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। जैसे कि ये रिवाइवलिस्ट थे, ये थोड़ा सा एंसेंट कल्चर पे बिलीव करते थे और ये जो हिंदू लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे तो इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कराया था कि जो लोग भी हिंदू से क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको ये बताया जाए कि वो एक हिंदू है और उसकी इम्पोर्टेंस उनको जो है वो समझाई जाए और उनको रोका जाए करने से। सेवा सदन का नाम आता है, एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे बहराम जी एम मालावाड़ी जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी 1908 में और वो भी काफी ज्यादा विमेन के लिए बात करते थे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके मेडिकल और वेलफेयर सर्विसेज के बारे में हित में ही बात करते थे। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा और उन्होंने इटर्निटी ऑफ सोल, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु और गुड एक्शन के नीड पे बात करी थी। धर्म सभा भी एक चीज थी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो फाउंड की गई थी राधाकांत देव के द्वारा 1830 में। एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी इट स्टूड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेटस क्वो इन सोशियो रिलीजियस मैटर अपोजिंग इवन द अबोलिशन ऑफ सती, तो सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने जो है वो एक मुहिम करी थी और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया था जेंडर इक्वालिटी को साथ लेते हुए, वेस्टर्न एजुकेशन को गर्ल्स के लिए भी प्रमोट किया था इन्होंने, सो जेंडर इक्वालिटी पे भी इन्होंने बात करी थी। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स और रिवाइवर्स जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। सो आपको जो जानने को मिला वो आज काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्ड थे वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद गोपाल कृष्ण गोखले। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगर इनके टीचिंग से, इनके प्रीचिंग से, इनके वर्डिंग से जो भी आपको सीखने को मिलता है, साइट इट इन कमेंट बॉक्स, लेट मी ऑल्सो नो वॉट यू थिंक अबाउट दिस एंड हाउ कैन यू अप्लाई ऑल दिस टीचिंग्स ऑफ हिज इन योर लाइफ, your particular life. अगर आपके कुछ views हैं, please share it in comment box. It's Anamika signing off. Take care of yourself and stay tuned. Bye bye.